हरियाणा के निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन वाली सरकार को भारी बहुमत से जीत मिली, जिसके बाद नगर परिषद और नगर पालिका के जीते हुए चेयरमैन ने सीएम आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। वहीं सीएम मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए और कई अहम मुद्दों पर जानकारियां भी दी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की 18 नगर पालिका परिषद और 28 नगर पालिका समितियों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की, जिसको लेकर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। इसी कड़ी में नगर परिषद और नगर पालिका के जीते हुए चेयरमैन सीएम आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम मनोहर लाल का अभिनंदन किया। इससे पहले कि जीते हुए चेयरमैन प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से मिलने पहुंचे, वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कराई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से रूबरू हुए, इस मौके पर सीएम ने कई अहम जानकारियां भी दी। हाँ मित्रों, सबसे पहली बात तो के स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए, 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएं, कुल 46 इकाइयों का ये चुनाव था। और विशेषता इस चुनाव की ये थी कि सबसे पहली बार चेयरमैन का जो सीधा चुनाव हुआ है, और इस सीधे चुनाव का बहुत स्वागत किया गया। सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा ये मूव है, एक सफल मूव, और उसमें जब रिजल्ट आए हैं तो ये मान कर चले कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सब मिला करके और हमारी एक अच्छी मेजोरिटी, मैं समझता हूँ कि सब मिला के 28 यानी मोर देन 60%, ये रिजल्ट हमारे पक्ष में आया है। कांग्रेस तो मैदान छोड़ के ही भाग गई है, और उनको तो कहीं ना भरोसा था कि भी हम कोई जीत पाएंगे, और इसलिए सिंबल दे करके उन्होंने अपने आप को कोशिश की है बचाने के, लेकिन बच नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया था। कोई भी कांग्रेस के द्वारा या उनके किसी नेता के द्वारा सपोर्टेड कोई कैंडिडेट जीत नहीं पाया, और एक अच्छे रिजल्ट के नाते से मैं हरियाणा की जनता को भी बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, और जो जीत करके आए हैं, चाहे चेयरमैन हैं चाहे पार्षद, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एक एक वोटर को संपर्क करना हमारे संगठन का मूल मंत्र है। इसी का नतीजा है कि लगातार बीजेपी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव। हमारा जो संगठन है वो बहुत नीचे तक, रूट लेवल तक, यानी पहले तो हम बूथ लेवल तक खड़ा करते थे, अब बूथ से भी आगे, उसके आगे पन्ना प्रमुख तक की इकाई हमने बनाई हुई है। और एक एक वोटर को संपर्क करना, एक एक परिवार को संपर्क करना, ये हमारे संगठन का एक मूल मंत्र है, जो हरियाणा में भी है, सारे देश भर में भी है। और इस आधार पर ही हम लगातार पिछले कई वर्षों से हर चुनाव प्राय अच्छी मेजोरिटी से जीत करके आ रहे हैं, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों। हमारे दो बाय इलेक्शन अगर हरियाणा में हुए हैं, उसमें भी रिजल्ट को हम छोड़ दें तो हम आगे बढ़ करके आए हैं, चाहे वो इलाहाबाद था चाहे बड़ौदा था, तो उसमें भी रिजल्ट हमारा पहले की अपेक्षा अच्छा आया है। और इस नाते से आगे की भी जो भी चुनाव होता है, उसकी सफलता मिलती है, उसकी आगे के चुनाव पर उसका प्रभाव पड़ता है। आगे भी अब स्थानीय निकाय के चुनाव यानी पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद फिर जो बचे हुए नगर पालिकाएँ, नगर परिषद और नगर निगम हैं, उनके चुनाव आएंगे, फिर लोकसभा के आएंगे, विधानसभा के आएंगे। अगले 2-2.5 वर्ष तो लगातार चुनाव के ही रहने वाले हैं, इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि हरियाणा की जनता, उसको हमारे पर भरोसा है, हमारी नीतियों पर, हमारी उपलब्धियों पर, और इस भरोसे के आधार पर हमको निश्चित रूप से वो आगे मंजर करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि चंद दिन पहले राज्यसभा का चुनाव था, उसमें भी हमने जीत दर्ज की, लोगों ने हमें सराहा है। देखिए, ये चुनाव हैं, जीते हैं, उसकी अप्रिसिएशन मिली है, बल्कि इससे चंद दिन पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी केंद्रीय नेतृत्व ने इसको सराहा है। हमारा एक प्रकार से हमारी हाजिरी उसमें दर्ज हुई है कि हरियाणा के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी से पीछे हैं, हम सबसे आगे हैं। और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार चल रही है और बाकी प्रदेशों में आगे बढ़ रहे हैं, और जिन प्रदेशों में कोई कमी भी रह गई है, वो भी एक एक प्रदेश किसी भी रूप में आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्दी आपको और अच्छे समाचार भी सुनने को मिलेंगे कि बिना चुनाव भी कुछ प्रदेशों में आगे बढ़ सकते हैं, तो इसलिए आगे बढ़ने का क्रम हमारा जारी है, लगातार हम बढ़ते रहेंगे। वहीं देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि राष्ट्रपति के नामांकन के लिए जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उन सबको नामांकन के लिए आह्वान किया जाता है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।